दोस्तों आईपीएल 2023 की तैयारियां पूरी कर ली गई है। आज हम आपको बताएंगे कौन है वो पांच सबसे खतरनाक खिलाड़ी जो जिताएंगे आरसीबी को इस साल आईपीएल 2023 का खिताब। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे आईपीएल से जुड़ी सभी खबर इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को पूरा देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और साथ ही हमारी इस वीडियो को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल न भूलें। आरसीबी की टीम की बात करें, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आईपीएल 2023 के मिनी ऑक्शन के ठीक पहले आरसीबी ने कुल चार खिलाड़ियों को अपनी टीम से रिलीज किया है, जिसमें सिद्धार्थ कौल, एडम मिलन, नारायण जगदीशन और आकाशदीप शामिल हैं, जिन्हें आरसीबी की टीम ने इस साल आईपीएल 2023 से रिलीज कर दिया है। वहीं रिटेन किए गए खिलाड़ियों की बात करें, जिसमें सबसे पहला नाम विराट कोहली, इसके साथ ही ग्लेन मैक्सवेल, फाफ डु प्लेसी, बनुंदु हसरंगा, दिनेश कार्तिक, मोहम्मद सिराज, हर्षद पटेल, सहवाज अहमद और रजत पाटीदार जैसे खिलाड़ी इस साल आरसीबी के लिए आपको खेलते नजर आएंगे। जैसा कि हमने आपको बताया कि वो कौन से पांच खिलाड़ी हैं जो आरसीबी को इस साल अपने दम पे आईपीएल 2023 का खिताब जिता सकते हैं। इसमें पहला नाम विराट कोहली, जो इस समय शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। हाल ही में खत्म हुए T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है और सभी आरसीबी फैंस की उम्मीदें इस साल विराट कोहली पे टिकी हुई है। वहीं दूसरे खिलाड़ी की बात करें, जो कि टीम के नए नवेले कप्तान फाफ डु प्लेसी हैं। हम आपको बता दें कि फाफ डु प्लेसी पहले चेन्नई सुपर किंग के लिए कई मैच अपने दम पे जिता चुके हैं, लेकिन अब वो आरसीबी के कप्तान हैं और सभी आरसीबी फैंस की उम्मीद है कि इस साल फाफ डु प्लेसी 11 साल का सूखा खत्म करके आईपीएल 2023 का खिताब अपनी कप्तानी में आरसीबी को जिताएंगे। वहीं तीसरे खिलाड़ी की बात करें तो वो हैं ग्लेन मैक्सवेल, जो कि 2012 से आरसीबी टीम का अहम हिस्सा रहे हैं। ग्लेन मैक्सवेल आरसीबी के टीम के लिए एक बेहतरीन ऑलराउंडर भी माने जाते हैं। मैक्सवेल ने 2022 में खेले गए 13 पारियों में कुल 301 रन बनाए थे, जिसके साथ उन्होंने 6 विकेट भी हासिल किए हैं। अगर आईपीएल 2023 में ग्लेन मैक्सवेल का बल्ला चला तो मानो इस साल आरसीबी को कप जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। वहीं चौथे खिलाड़ी की बात करें तो वो है श्रीलंका का सबसे खतरनाक ऑलराउंडर बनिंदु हसरंगा, जिन्हें पिछले साल आरसीबी ने 10 करोड़ में खरीदा था। पिछले साल उन्होंने 13 मैच खेले थे, जिसमें उन्होंने कुल 26 विकेट लिए थे। हालांकि बैटिंग में कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन इस साल वो टीम के लिए एक मैच विनर साबित हो सकते हैं। अब बात करें पांचवें और आखिरी खिलाड़ी की, तो वो है आरसीबी के विकेट कीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक। लंबे टाइम के बाद आईपीएल में वापसी कर रहे दिनेश कार्तिक ने अपनी बैटिंग से सभी आरसीबी फैंस का दिल जीत लिया था। कार्तिक 2022 के आईपीएल में आरसीबी के लिए एक बेहतरीन फिनिशर साबित हुए थे। उन्होंने अपने तेज तरार बैटिंग से आरसीबी को कई मैच जिताए। हालांकि वर्ल्ड कप में उनका परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रहा था, लेकिन एक बार फिर आरसीबी के टीम मैनेजमेंट ने उन पर विश्वास दिखाया है। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या पहली बार आईपीएल 2023 का खिताब आरसीबी जीत पाएगी? और इसके साथ ही आपकी आईपीएल की सबसे फेवरेट टीम कौन सी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और क्रिकेट से जुड़ी और भी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।